हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पेटीएम के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर आए हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर अभी तक आप सभी ने मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत सन 2010 में की गई। इस कंपनी के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा होगा जो पेटीएम को नहीं जानता होगा, और इंडिया में सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाली बड़ी कंपनियों में से पेटीएम का नाम सबसे आगे आता है। क्या आप सभी पेटीएम का पूरा नाम जानते हैं? पेटीएम का पूरा नाम क्या है? पेटीएम का पूरा नाम पे थ्रू मोबाइल है। पेटीएम के थ्रू आप सभी अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजली का बिल भर सकते हैं, कॉलेज की फीस भर सकते हैं, और पेटीएम में जैसे कि आप इंश्योरेंस, ऑनलाइन गोल्ड, ये सब जो है आप पेटीएम के थ्रू खरीद सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोटबंदी के टाइम पे पेटीएम ने जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया था, और ये वही टाइम था जिस टाइम से पेटीएम जो है लोगों के बीच में छाने लगा। पेटीएम एक ओपन ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के आप सभी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, और इसके बदले आपको पेटीएम को कुछ कमीशन देना होता है। अगर आप सभी पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो पेटीएम उससे 4% कमीशन चार्ज करता है। सपोज करिए आप सभी ने 500 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए पेटीएम वॉलेट से, तो पेटीएम वॉलेट से पेटीएम जो है आपके 520 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन डिटेक्ट करता है। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज़ करते हैं तो पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी कमीशन नहीं लगता है। अगर आपने 500 रुपीज़ अपने अकाउंट में सेंड किया है तो आपका जो है 500 रुपीज़ ही चार्ज लगेगा, लेकिन पेटीएम वॉलेट से आपको जो है चार्ज देना पड़ता है। अगर आप सभी पेटीएम का यूज़ उसकी पॉलिसी के खिलाफ करते हैं तो पेटीएम आपको 3 रिमाइंडर भेजता है। पहले के 2 रिमाइंडर आपको 15 दिन के अंदर भेजता है, और लास्ट का तीसरा रिमाइंडर आपको 1 हफ्ते के अंदर भेजता है। इसके बाद जो है पेटीएम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है पेटीएम का आइडिया विजय शेखर शर्मा जी का खुद का है, लेकिन दरअसल दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। पेटीएम की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस। बात ये उस टाइम की है जब विजय शेखर शर्मा इस कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे थे, और इस कंपनी में एक एम्प्लॉय थे जिनका नाम था अभिषेक राजन। वो अपनी खुद की डिजिटल पेमेंट सर्विस जो है खोलना चाहते थे। उन्होंने अपना ये आइडिया विजय शेखर शर्मा जी के साथ शेयर किया। विजय शेखर शर्मा जी को अभिषेक राजन का ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने अभिषेक राजन जी का बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाया और उनकी निगरानी में पेटीएम का निर्माण किया। क्या आप सब जानते हैं पेटीएम दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जिसे चाइनीज़ कंपनी Alibaba.com से फंडिंग हुई है, और इसी के साथ साथ पेटीएम के लिए गर्व की बात भी है। इंडिया के सबसे मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा ने भी पेटीएम में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। क्या आप सभी जानते हैं पेटीएम को सन 2012 में फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा द मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी पेटीएम के नाम दिया गया था, और इसी के साथ साथ पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा जी को द मोस्ट इनोवेटिव सीईओ का भी अवार्ड दिया गया। अगर खाली सिर्फ गूगल प्ले स्टोर की बात की जाए तो खाली गूगल प्ले स्टोर से ही पेटीएम को 45 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। अगर मैं सभी प्लेटफॉर्म की बात करूँ, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर और गूगल स्टोर की, तो 1 करोड़ से ज्यादा बार जो है पेटीएम को डाउनलोड किया जा चुका है, और पेटीएम ने बहुत कम टाइम में अपने कामयाबी के बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। दोस्तों, ये थे पेटीएम के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आप सभी को इन सभी फैक्टों में से कौन सा फैक्ट सबसे बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ साथ में ये भी बताना कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना। ये वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद।